Start recording. Why can I start? Okay. All right. So now I have started recording and I'm going to read. I'm going to call you and put you on loudspeaker. In case I go wrong in my translation, you can correct me. All right. Okay, I am Ra. I greet you in the love and light of our infinite creator. We communicate now. We are definitely going to. वो दोबारा रा ने आकर कहा कि अब हम आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए तैयार हैं. लाउडस्पीकर पे डाला है पर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. मैंने टेलीग्राम पे फोन किया ना, मैं नॉर्मल कॉल करती हूँ. Okay. We are definitely going to make the law of one the primary position, primary portion of this book. I apologize for getting sidetracked on these subjects. वो डॉन कहता है कि लॉ ऑफ वन को हम इस किताब का मेन प्राइमरी पोर्शन बनाने वाले हैं. बीच में मैं अलग अलग तरह की, हाँ मैं अब आपको डाल रही हूँ लाउड स्पीकर पे. मैं आपको लाउड स्पीकर पे डाल रही हूँ. हाँ, ओके. आई अपोलोजाइज. रिकॉर्डिंग पे ही है? नहीं, अभी अभी तो रिकॉर्डिंग पे बुक पढ़ रही हूँ, वो रिकॉर्ड कर रही हूँ. नहीं, ये सारी फिर हमारे इंटरनल टॉक, फिर वो बाहर जाएंगे, लोगों को समझ नहीं आएगा यार, आज ज्यादा टाइम पे स्ट्रगल ही कर रहे हैं. अच्छा, relax, you just listen to what I'm reading. I apologize for getting sidetracked on these subjects. We are in the position of, shall we say, beating around as to what direction to go with the book to begin with. So Don कहता है कि हमें माफ करना कि हम बीच-बीच में आपको बाकी अलग subjects के ऊपर सवाल पूछते हैं, लेकिन हम अपने लिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बुक को कहाँ से शुरू करें और कौन सी जरूरी बात है जो बहुत ठोस जरूरी है, हम वहां से शुरू करें. तो हम समझ नहीं पा रहे, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बीच बीच में आपसे हर तरह के सवाल पूछ लेते हैं जिसका लॉ ऑफ वन से ताल्लुक ना हो. फॉर दिस रीजन आई हैव आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस एंड प्रोबेबली विल आस्क अ फ्यू इन द अर्ली पार्ट ऑफ दीज सेशंस. That will be somewhat meaningless with respect to the application of the law of one, because my own ignorance of what I'm doing. तो हमने आपको कुछ सवाल पूछे और आगे भी हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये सवालों का ताल्लुक शायद law of one की किताब से ना हो या law of one से ना हो, लेकिन हम अनजान हैं, भोले हैं और इन बातों को नहीं समझ रहे. समझने की कोशिश की वजह से हम आपसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं, जानने के लिए कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं. हाउएवर आई एक्सपेक्ट टू बिकम मोर प्रोफिशिएंट रैपिडली व्हाइल वी गो ऑन. पर मैं उम्मीद करता हूं कि वक्त साथ जैसे जैसे आप हमें समझाएंगे, जैसे जैसे हमारी आंखें खुलेंगी, हम वक्त के साथ हमारी समझ में आएगा कि हमें किस तरह के सवाल कब कहां कैसे पूछने चाहिए. देर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट आर प्रोबेबली मीनिंगलेस, बट इफ आई कुड गेट देम आउट ऑफ द वे, दे आर बॉदरिंग मी अ लिटिल बिट. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सजेस्ट अ पब्लिशर फॉर दिस बुक? सो वो कहता है कि एक दो सवाल मेरे दिमाग में थोड़े मुझे परेशान कर रहे हैं और शायद आपके लिए उनका कोई वजन ना हो, कोई वैल्यू ना हो. क्या ना हो? औचित्य, आपके लिए उस चीज का कोई औचित्य ना हो. अच्छा, बट ये सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये सवाल. तो उसने सवाल करता है डॉन कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इसका लेखक, इस किताब का पब्लिशर, मतलब वही एक तरीके से लेखक किसको रखे हैं इस किताब को? नहीं, वो पब्लिशर मतलब हम छपवाए किससे? छपवाए किससे? लेखक नहीं, छपवानी किससे है? तो रा कहता है नहीं,
तो वो कहता है इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेल अस ऑफ एनीथिंग इन आर पास्ट इनकार्नेशंस, आर पास्ट एक्सपीरियंसेस बिफोर दिस इनकार्नेशन. तो वो डॉन कहता है हमारी पिछली जो जिंदगी रह चुकी है, पास्ट लाइव्स, किसी जिंदगी का कोई हिस्सा क्या आप हमें बता सकते हो, या इससे पहले हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, तजुर्बे रह चुके हैं पुरानी जिंदगियों में, क्या ऐसा कुछ बता सकते हो? तो रा कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है. आया एक तो डिस्टर्बिंग हो जाता है. रा कहता है हाँ ये पॉसिबल है, हाउएवर सच इन्फॉर्मेशन एज दिस इज केयरफुली गाइडेड बाय योर माइंड बॉडी स्पिरिट बीइंग टोटैलिटी सो दैट योर प्रेजेंट स्पेस टाइम एक्सपीरियंसेस विल बी अनडाइल्यूटेड. वो कहता है हम बता, हाँ बताइए बोलिए. तो रा यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम बता तो सकते हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना आपकी पिछली जिंदगियों की और आपकी जितनी भी मतलब पिछली जिंदगियों में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, यार वो हम गार्ड नहीं करते. आपके ऊपर हर आपके ऊपर हर प्रजाति के ऊपर उसका एक हायर सेल्फ होता है, मतलब उसी का ही बड़ा भाई टाइप समझ लो आप, जिसको आप पैदा होने से पहले इन्फॉर्मेशन देके आए होते हो कि भाई ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपके पास भेज जा रहा हूँ, तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें से जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी आप मुझे दे देना. तो वो मेडिटेशन के थ्रू इसको बोलते हैं आपका टोटैलिटी बींग, या कह लो आपका हायर सेल्फ, आप ही का बड़ा भाई, या कह लो आप ही खुद उसका एक बड़ा वर्जन मान लो, यानी उसके पास आप रखवा के आते हो. लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको तभी मिल सकती है कि आपका जो अभी करंट जिंदगी जो आप जी रहे हो, जो आज की जिंदगी जी रहे हो, इसका कोई हिस्सा आपसे प्रभावित ना हो, क्योंकि आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है ये जिंदगी. पुरानी जिंदगियों का अगर आपको पता चला तो आपकी ये जिंदगी प्रभावित हो जाएगी उससे. लेट अस स्कैन फॉर हार्मलेस मटीरियल फॉर योर बीइंगनेस. तो उसने सोचा, कहा कि मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा मुझे तजुर्बा नजर आए या मिले जिसका आप की इस जिंदगी पे मेरे बताने से कोई गलत असर ना पड़े या उसको चेंज ना कर दे. आई एम इन द डिस्टॉर्शन ऑफ डिजायर फॉर योर फ्रीडम फ्रॉम प्री कंसेप्शन एबल टू स्पीक ओनली जनरली. बोलिए पीए. तो वो कह रहे हैं कि मैंने आपके दिमाग को आप लोगों के और ये बताता हूँ आपको कि जो आपकी जो फ्रीडम है ना, मतलब जो आपकी आजादी है और जो आपने पहले किया है, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन ही दूंगा जो बड़ी बड़ी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आज की लाइफ आपकी प्रभावित ना हो. तो इसके आगे वो उसको बताना शुरू करेगा उसकी इन तीनों की, मतलब ये जितने भी लोग रूम में थे, डॉन, कार्ला, जिम, इनकी जो जनरल लाइफ पिछली रही है ना उसके बारे में बताएगा अब ये राय को. लेकिन देख लेना, आप नोटिस करना, वो जनरल इन्फॉर्मेशन देगा, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा कि हाँ बिल्कुल एकदम ही मुद्दे की बात उनको बताती हो, ऐसे नहीं करेगा वो. वो जनरल इन्फॉर्मेशन देगा इसको. There have been several times when this group worked and dwelt together. The relationships varied. There is balanced karma, as you call it. Each does the teacher of each. Yeah. तो यहाँ पर रा कह रहे हैं कि इस जिंदगी से पहले तुम तीनों ने एक दूसरे के साथ कई जगहों पर काम किया है, कई जगहों पर मतलब पिछली जिंदगियों में अलग-अलग अलग-अलग टाइम पर साथ रहे भी हो. हाँ? साथ रहे भी हो, dwell together. हाँ, रहे भी हो और अलग अलग जगह पर रहे हो, और जो तुम्हारे बीच में जो रिश्ते अलग अलग तरीके के थे, इसलिए तुम्हारे बीच का जो कर्म है ना जो तुम लोगों ने साथ में किया है वो ना बड़ा बैलेंस है, मतलब उसका संतुलन बहुत बढ़िया है. तो वो कह रहे हैं कि हर लाइफ में तुम तीनों के तीनों एक दूसरे के टीचर रहे हो, यानी कि आपसे गुरु रहे हो एक दूसरे के. ओके, द वर्क हैज इन्वॉल्वड हीलिंग, understanding the uses of the earth energy and work in aid of civilizations which called just as your sphere has done and we have come. This ends the material which we consider harmless. यहाँ पर रात होता है कि आपने अपनी जो पिछली जिंदगी है ना उसके अंदर आप लोगों ने हीलिंग की जो टेक्निक होती है वो भी एक दूसरे को सिखाई हुई है और की भी है हीलिंग लोगों की. हम लोगों ने अर्थ की मतलब इस धरती की जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसको यूज कैसे करते हैं ना, वो भी तुम लोगों ने साथ में किया हुआ है. और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए तुमने बाकी जितनी भी सिविलाइजेशन है ना, क्योंकि तो हो सकता है मैम की
ये जो डॉन कार्ला और ये है क्या कहते हैं जिम है, ये इसी प्लेनेट पे कई बार पैदा हुए हो, मतलब अर्थ पे ही, धरती पे ही कई बार पैदा हुए हो, कि तुम तीनों ने अलग अलग जगह पे काम किया है। कह रहा है कि तुम्हें अर्थ की एनर्जी का भी पता था, कह रहा है ये काम तुमने किया है, अलग अलग सिविलाइजेशन के बीच में भी पैदा हुए तुम, उनकी भी तुम लोगों ने मदद की है। कह रहा है कि जिस तरीके से हम आए हैं ना तुम्हारे पास, ऐसे तुम भी दूसरों के पास जाते थे उनकी मदद करने के लिए। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बस ये ही वो इन्फॉर्मेशन है जो हम तुम्हें बता सकते हैं, और ये इसको हम तो, ये हमारी समझ है कि इस इन्फॉर्मेशन से ये तुम्हारे लिए हार्मफुल है, मतलब इससे कोई तुम्हें नुकसान नहीं होगा, बस हमने तुम्हें जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी है। The healing exercises that you gave to us are of such a nature that it is best to concentrate on a particular exercise at a time. I would like to ask at this time what exercise I should concentrate on. Possibly a little exercise change should concentrate on, say, tonight. हाँ, तो यहाँ पर बोलता है, सॉरी डॉन को बोलता है कि ये जो आपने हमें हीलिंग के बारे में बताया है ना, कि लोगों की ये जो तबीयत वगैरह ठीक कर सकते हैं हीलिंग को, कह रहा है कि वो उसका ना इस तरीके की बताई है आपने कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसकी कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज दे सकते हो हमें, मतलब कोई एक ऐसी एक्सरसाइज दे दो या ऐसा कुछ तरीका दे दो हमें कि जिसको ऊपर हम लोग अपना ध्यान कंसेंट्रेट कर सके और उसको उसके ऊपर काम कर सके। कह रहे कि आप हमें ना कोई एक सिंगल एक्सरसाइज दो, क्योंकि तो हमें ऐसे पता नहीं चल रहा है, आपने तो पूरा का पूरा यहाँ पे डब्बाई खोल के रख दिया हमारे सामने, हमें समझ नहीं आ रहा है डब्बे के अंदर से, उठाए तो उठाए क्या, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो आज कुछ ऐसा बताओ कि आज रात हम कौन से एक्सरसाइज पर फोकस करें। बिल्कुल तो रा कहता है, अगेन, टू डायरेक्ट योर जजमेंट इज एन इंट्रूजन अपॉन योर स्पेस टाइम कॉन्टिनम डिस्टॉर्शन कॉल्ड फ्यूचर। टू स्पीक ऑफ पास्ट और प्रेजेंट विद इन आवर डिस्टॉर्शन जजमेंट लिमिट्स इज एक्सेप्टेबल। टू गाइड रादर देन टीच लर्न not acceptable in our distortion in regards to teach learning. हाँ, यहाँ पर ये कहता है हम तुम्हें दोबारा याद दिलाना चाहते हैं, तुम ना हमारी जजमेंट मांग रहे हो कि हम तुम्हें किस तरीके से बताए, तुम्हें स्पेसिफिक चीज दे दे, कह रहे तुमको नहीं पता है लेकिन हमें पता है कि अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी तो इसका इस्तेमाल तुम अपने फ्यूचर में करो, और तो तुम फ्यूचर में करोगे तो वो तुम्हारा डिसीजन नहीं हुआ, वो हमारा दिया हुआ डिसीजन है तुम्हें, और इसकी वजह से तुम्हारी जो वो होती है ना क्या कहते हैं, यानी कह लो कि कुछ भी करने की आजादी का उल्लंघन हो जाएगा। कह रहा हम तुम्हें पिछली कुछ वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं पास्ट की, मतलब जो तुम्हारे पिछले जन्म की तो नहीं, मतलब पिछली कोई इन्फॉर्मेशन हम तुम्हें उठा के दे सकते हैं, वो हमें एक्सेप्टेबल है। कह रहा अगर हमने तुम्हें, हम यहाँ पे तुम्हें टीच और लर्न सिखाने के लिए आए हुए, ना कि तुम्हें गाइड करने के लिए, कि भाई जैसे हम लोगों की आदत होती है ना कि कोई रास्ता पूछने लगे तो हम उसको ही कहने लगते हैं यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है, यहाँ चले जाओ वहां से चले जाओ, उसको बताना होता है कहीं और, बता देते कहीं और, यानी कि इस वजह से हम तुम्हें गाइड नहीं करेंगे, हम तो यहाँ टीच लर्न के लिए आए हुए और हम तुम्हें वो ही सिखा सकते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में हमसे बात करो, हमसे सजेशन मत मांगो। We instead can suggest a process whereby each chooses the first of the exercises given in the order in which we gave them, which you, in your discernment, feel is not fully appreciated by your mind body spirit complex. PA, थोड़ा राजधानी को स्लो करो, क्या करें, थोड़ा धीरे बोलो, आप हिंदी में जो बोल रहे हो थोड़ी तेज स्पीड ज्यादा है, थोड़ा धीरे। ओके। तो यहाँ पे रा कहता है कि देखो हम तुम्हें वो तो नहीं बता सकते हैं लेकिन, मतलब सजेस्ट तो नहीं कर सकते लेकिन हम एक तरीका बता सकते हैं तुमको कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ना, ये आप सबके ऊपर आपकी इच्छा होगी कौन इसको कैसे लेता है। तो कह रहे हैं कि इस वजह से जब हम आपको ये देंगे ना तो आपकी आजादी का उल्लंघन भी नहीं होगा, हम भी अपनी इन्फॉर्मेशन टीचिंग कर चुके होंगे और आपके पास भी एक मौका होगा कि आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। कह रहे कि तभी जाके आप इसको अप्रिशिएट कर पाओगे अपने अपने हिसाब से, ना कि हमारे हमारे बताए हुए रास्ते पे चलने के हिसाब से। ये पूरा दोबारा समझाओ, टू डायरेक्ट योर जजमेंट इज एन इंट्रूजन से लेके कॉम्प्लेक्स तक। हाँ, तो यहाँ पे जब उसने पूछा था ना कि हमें कोई एक एक्सरसाइज दे दो आप, ताकि हम उस एक्सरसाइज को कर सकें हीलिंग करने के लिए,
तो यहाँ पे राने उसे बोला कि देखो दोस्त, अगर हमने तुम्हें कोई रास्ता बताया है ना कि भाई ऐसे कर लो या वैसे कर लो, कह रहे इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट है ना वो तुम्हारे फ्यूचर पे जाके पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी फ्री विल खुद इन्फ्लुएंस हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा, ये हमें पता है, तुम्हारी कुछ भी करने की चाहिए उल्लंघन हो जाएगा क्योंकि तुम हमारे कहने कहने पे चल रहे हो बिना ये किए कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना। तो जो भी जजमेंट होगी, जो भी डिसीजन लेने हैं वो तुम्हें लेने हैं, हम नहीं लेंगे तुम्हें तुम्हारे बिहाफ पे कोई भी डिसीजन। कह रहे हम तुम्हें पिछली कुछ बातें बता सकते हैं, वो हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि वो हमें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो तुम पहले कर चुके हो, अब उसके बेसिस के ऊपर अब तुम आगे क्या डिसाइड करोगे उससे कोई डिसीजन पर कोई फर्क पड़ना है नहीं। कहते कि हम यहाँ पे गाइड करने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हें सिखाने के लिए आए हैं, और वो भी तब जब तुमने मांगा है। हम टीचिंग कर सकते हैं लेकिन हम किसी को ये नहीं बता ऐसे कर ले या ऐसे कर ले। कह रहे लेकिन हम तुम्हें एक बताते हैं, हम एक तुम्हें तरीका बता सकते हैं जो कि तुम सारे के सारे जितने भी यूज कर लेना उसके अंदर से कि तुम्हें कैसे करना है उसका इस्तेमाल, इस तरीके से ये होगा कि तुम्हारी आजादी का उल्लंघन भी नहीं होगा और तुम इस चीज को अप्रिशिएट भी कर पाओगे, इस चीज को मतलब रिस्पेक्ट भी दे पाओगे कि हाँ भाई ये मेरा तरीका है, ये इस चीज को तो मैं इसी तरीके से लूंगा, तो इसमें आजादी का उल्लंघन करने से बच रहा है रा, और वो सही कर रहा है बिल्कुल। ये किसी और की चीजों को मैं जो सजेस्ट करूँ कि उसको क्या करना है करना है, वो उसको सोचना है कि उसको क्या करना है कैसे करना है, उसने प्रोसेस बता देगा तरीका। उसने एक बात और बोली कि सबसे आसान प्रोसेस हम सजेस्ट कर सकते हैं कि हम जो चीज आपको जिस श्रृंखला में देंगे, एज इन पहले ये दी, दूसरी ये दी, तीसरी ये दी, उसी तरह से आप उसको इस्तेमाल करो तो आसानी होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द प्रॉपर चॉइस, बिल्डिंग फ्रॉम द फाउंडेशन, मेकिंग श्योर द ग्राउंड इज गुड फॉर द बिल्डिंग। जैसे कि लोग मुझसे कहते हैं कि आप सारी मेडिटेशंस दे दो, और मैं एक एक करके दे रही हूँ क्योंकि हर मेडिटेशन, आने वाली मेडिटेशन पहले वाली को सम्मिलित करती है, इट्स एन एक्सटेंशन, द फ्यूचर मेडिटेशन आर एन एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट फ्यू, बट देर आर सम पीपल हु हैव बीन मैसेजिंग मी टू आस्क दैट ओ प्लीज गिव अस ऑल द मेडिटेशंस, आई एम पुटिंग इट अप ऑन यूट्यूब, एंड एज यू you know practice those a couple of times or at least 3-4 times by the time I'll put it ha ki maine wahi to hindi mein hi to bola ke main ye ke main wo meditations isliye ek ek karke dal rahi hu ki taki aap pehle ek seekh lo jaise ke di gayi hain jaise mujhe di gayi hain aur jaise main samajh rahi hu ki ek meditation पूरा करने के बाद उसको सम्मिलित करके दूसरी होगी, तो मैं लाइन से जा रही हूँ 1, 2, 3, 4 इसी ये भी कह रहा है कि फाउंडेशन बिल्ड करना जरूरी है, जब तक आप एक और 1, 2, 3, 4 पूरी तरह नहीं सीख लोगे तो 6, 7, 8 करने का कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग दैट दिस इज द प्रॉपर चॉइस, बिल्डिंग फ्रॉम द फाउंडेशन, मेकिंग श्योर द ग्राउंड इज गुड फॉर द बिल्डिंग। We have assessed you for the intensity of this effort in terms of energy expended. You will take this in mind and be patient, for we have not given a short or easy program of consciousness learned teaching. बिल्कुल सही कह रहा है राय, कह रहा है कि हम लोगों ने तुम्हारे दिमाग की जो intensity है ना और जो एक energy इस वक्त तुम्हारे अंदर build हो रही है सीखने की, जो इच्छा हो रही है ना बहुत ज्यादा एक अंदर से होती है, कह रहे हम उसको समझ पा रहे हैं और उसको feel भी कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम इसको ना बड़े शांति से लो, ऐसे नहीं कि भाग गए, मतलब कोई चीज हाथ में लगे वो आओ मेरे हाथ में आ गया और दौड़ पड़े एक डायरेक्शन में, ऐसे नहीं, शांति से करो ठीक है। और क्योंकि हम जो दे रहे हैं ना ये कोई छोटा प्रोग्राम नहीं दे रहे तुम्हें, कॉन्शियसनेस कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब कॉन्शियसनेस की जो फील्ड है ना जिसको हम बोलते हैं, कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस में देखती हूँ एक बार गूगल पे रुको, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, चेतना, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, म्यूट योरसेल्फ, किसका माइक ऑन है, म्यूटेड, हाँ पीए, हाँ तो वो रहा कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो हमने जो तुम्हें प्रोग्राम दिया है ना
हम तुम्हारी वो अंदर की आँख को भी समझ पा रहे हैं कि तुम एक बस तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ किसी के वो पड़ गया हो, अलादीन का चिराग, और उसे घेरा और उसके अंदर से निकाल लीजिए एकदम से। कह रहे हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने तुम्हें गलत चीज दी, अगर चीज दे भी दी सडनली हाथ को पकड़ा दी, एक छोटे बच्चे के हाथ में आप इतने बड़ी कोई चीज दे दोगे वो तो तोड़ ही देगा, ना ही उसे समझ में आएगी और ना ही उससे हैंडल होगी। अब जो सिक्स डेंसिटी में बैठा हुआ है उसको पता है कि हाँ यार अभी थर्ड डेंसिटी में कि हाँ ठीक कर देता चीजें नहीं देनी है इनको, धीरे धीरे देनी है। कह रहे हम तुम्हें पूरा प्रोग्राम दे देंगे कॉन्शियसनेस को समझने का, इसको समझते कैसे है उसकी तरफ फोकस करो, ना कि ये कि भागना शुरू कर दो एक ही डायरेक्शन में, ये बोलने की कोशिश कर रहा है ना। यही तो मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, द वे आई अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेटरी पॉपुलेशन is that of a planetary population is that a population has a certain amount of time to progress. This is generally divided into three 25,000 year cycles. At the end of 75,000 years, the planet progresses itself. What caused this situation to come about? The preciseness of the years, 25,000 years, etc. What set this up to begin with? तो यहाँ पर डॉन उससे सवाल मतलब देखो वो डीलिंग से हट गया, उसको प्रॉब्लम उसको समझ में आती है, तो लंबा प्रोसेस है। मैं अभी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ लेता हूँ। तो डॉन उससे पूछता है कि मेरे को एक ना प्रोसेस समझ रहा है, मुझे एक मतलब कि समझ रहा है कि ये इवोल्यूशन मतलब जितनी भी इतनी सिविलाइजेशन होती है ये आगे की तरफ कैसे करती है, मतलब पॉपुलेशन किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ती है, मतलब कितना टाइम लगता है, क्या होता है। कि आपने हमें बताया कि 25-25,000 साल की तीन साइकिल होती है जो कि मिला के 75,000 साल की साइकिल बनाती है, और आप ही ने हमें बताया कि 75,000 की साइकिल की मतलब 75,000 साल के बाद जो प्लैनेट होता है ना, मतलब मान लो धरती है, पूरी की पूरी खुद भी प्रोग्रेस करेगी आगे, वो भी आगे निकल के जाएगी, क्योंकि भी उसकी भी तो लर्निंग हुई है ना। ऐसा तो नहीं है कि केवल उसके ऊपर रहने वाले लोग ही प्रोग्रेस कर रहे हैं, धरती भी पूरी की पूरी प्रोग्रेस करती है। कहते हैं ये किस सिचुएशन, मतलब क्यों ये ऐसा होता क्यों है, और ये केवल 25,000 साल की साइकिल ही क्यों होती है तीन तीन। कह रहे ये किया किसने, मतलब कि इसका प्रोसेस क्या है, जरा बताओ इसकी वजह, ये प्रोसेस होने की वजह क्या है और कहां से शुरू हुई। I am Ra. Visualize, if you will, the particular energy which outward flowing and inward coagulating form the tiny realm of the creation governed by your council of Saturn. ये समझा दो पहले। तो यहाँ पे राव का जवाब देता है, एक बार ना इमेजिन करने लगे, मतलब अपनी आंख के सामने एक ना एक पिक्चर बनाने की कोशिश करना कि जो एनर्जी होती है ना क्रिएटर की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, चारों आपको याद होगा चार बैनर फोर्सेस बताई थी, कह रहे इस तरीके से काम करती है ना कि जो एक प्लैनेट होता है, एक इंसान होता है या कोई भी हो, कह रही बहुत छोटी सी टाइनी सी रियल्म होती है, कह रहे कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। हेलो, yeah, the meeting is on, I don't know what happened. हाँ, आवाज नहीं आ रही ना कहीं से भी? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ, किसको आवाज नहीं आ रही है? We can't hear. हेलो, आवाज नहीं आ रही मैम, हम लोगों को आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज को भी नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है। जस्ट किया था अभी कि नहीं, बहुत स्लो आ रही है आपकी भी। पीए की आवाज आई? नहीं, पीए टॉक अगेन। यस, अब आई आप लोगों का आवाज मेरी? हाँ आ रही है। यस yes. बहुत धीमे, बहुत धीमे, बहुत धीमे धीमे आ रही है यार, ये प्रॉब्लम होनी थी, अब क्या करें बताओ आप। अभी हम कह रहे थे माइक्रोसॉफ्ट नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है वॉइस। कंटिन्यू भी है। तो रा उसको जवाब देता है, रा कहता है कि एक बार ना अपने सामने एक पिक्चर सोच के देखना जरा,
ये जो एनर्जी होती है ना, जो क्रिएटर की बनाई हुई चारों एनर्जीज है ना, जो आपको यादों को आपने बताया कि चार प्राइमल फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक फील्ड और फिर क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, रेजोनेटिंग फील्ड, उन चारों को मिला के ना क्रिएटर की जो एनर्जी जो बनती है तेरा, वो इस तरीके से चलती है कि आपका जो प्लैनेट है ना उसके नीचे से भी ऊपर की तरफ चलती है, मतलब उसके साउथ से चलेगी नॉर्थ और नॉर्थ से भी साउथ की तरफ चलती है। कह रहे ये इसके प्लैनेट के अराउंड ना एक अजीब सा ऑरा सा क्रिएट कर देती है, क्या कह रहे हैं एनर्जी का पूरा बबल क्रिएट कर देती है आपके प्लैनेट के अराउंड। और सेम तरीके से इसके ऊपर रहने वाले हर प्रजाति जो है, चाहे वो जानवर हो, पौधा हो, इंसान हो, सबके अराउंड वो सेम ही रहती है। कह रहा और ये जो है ना ये गवर्न की जाती है प्लैनेट के लेवल, काउंसिल ऑफ सैटर्न ही गवर्न करती है इसको। जो सैटर्न मतलब आपका शनि ग्रह के जो जो काउंसिल रिंग के ऊपर, हाँ जी, इसको मैनेज करती है काउंसिल ऑफ सैटर्न। कहते हैं कि इसका जो तरीका है ना, जो उसके रिदम, एक्चुअली रिदम का मतलब हो गया जैसे म्यूजिक के नोट होते हैं ना, ले ले, हाँ एक लय बनाती है। कहता है ये जो जिंदगी जिंदगी होती है लय के अंदर की, कहते हैं एक ऐसी लय बना देती है कि ये बिल्कुल तुम्हारे एक टाइम पीरियड की, यानी तुम्हारी घड़ी की तरह काम करती है ये। जैसे घड़ी होती है ना, उसकी भी अपनी एक लय होती है, टक 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 टक, तो जैसे घड़ी मूव करती है ऐसी ये भी मूव करती है। कह रहा है तुम्हारे जितने भी लोग हैं, प्लेनेटरी एंटिटीज है ना, जितने भी लोग हैं या जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, कुछ भी है, तो पहली साइकिल में ये जो एनर्जी होती है ना उसका एक अपना लेवल होता है, मतलब वो कितने टाइम से कितने टाइम तक यहाँ पहुंची है, ठीक है ना। तो उतने टाइम के अंदर मान लो 25,000 साल के अंदर वो कितनी पहुंची है, एक मान लो कि 10% आगे चली गई या 20% आगे चली गई, तो उसके बीच में जितने भी आपके लोग हैं, जानवर है, पेड़ है, पौधे है, सब अपना अपना एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो प्लैनेट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि प्लैनेट पे क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें उनकी अवेलेबल है। तभी हाँ, इसके आगे फिर वो ये भी कहता है, तभी हम आपको बोल रहे थे कि जितने भी लोग आपके प्लैनेट पे हैं सब अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सबकी साइकिल भी अलग अलग है अपनी अपनी। कह रहे हैं ये जो टाइमिंग होती है ना साइकिल की, ये इक्वल होती है पोर्शन ऑफ इंटेलिजेंट एनर्जी, मतलब ये जो क्रिएटर ने जो एनर्जी बनाई है ना, कह रहा आप लोगों की जो लाइफ साइकिल होती है ना वो भी उसका एक एक पोर्शन दे रही है उसी के अंदर से, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर से। कह रहा और यही एक घड़ी की तरह भी काम करती है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि किसी की जिंदगी पूरी 100 साल की हो जाए, किसी की 80 की भी हो सकती है, किसी की 70 की भी हो सकती है, कोई बेचारा 30 में निकल जाता है, कोई 40 में, कोई 50 में, ठीक है ना। तो सबकी अपनी अपनी घड़ी होती है। कहता है कि वो जो घड़ी जिस हिसाब से मूव कर रही होती है ना, वो अपना पोर्शन उसके अंदर से दे रही होती है, जो मेन जो आपका प्लैनेट है ना उसकी जो एनर्जी फील्ड होती है उसके अंदर एक्सपीरियंस कर रही होती है, वो सारे पोर्शन आप ही वो कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, और सेम टाइम पे प्लैनेट भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो आपका आपके प्लैनेट से बिल्कुल करीबी रिश्ता है, उसकी अगर साइकिल बदली तो आपकी भी साइकिल बदलेगी, ये कहना चाह रहा है वो। कह रहे कि फिर द गेटवे फ्रॉम इंटेलिजेंट एनर्जी टू इंटेलिजेंट इंफिनिटी ओपन रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑन द फाइंडिंग ऑफ द स्टार। तो कह रहे कि जैसे ही आपकी प्लैनेट की घड़ी अपने टाइम पर पहुंच जाती है, मान लो हम मान के चलते हैं कि 5-5 मिनट की 3 साइकिल है जिनको हम 25,000 मान के चलते हैं। कह रहे जैसे ही 5 मिनट की साइकिल जाके अपनी आखिरी घड़ी की जैसे गिरेगी ना उसके पटक, तो समझ लेना जितनी भी एंटिटीज है उस प्लैनेट के ऊपर वो सारी की सारी बिल्कुल वैसा, उनके साथ भी वही होगा जो प्लैनेट के साथ होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे मान के चलना कि आप अपने प्लैनेट का एक छोटा सा पोर्शन प्लैनेट के अकॉर्डिंग भी ही प्लैनेट से ही ले रहे हो। तो अगर प्लैनेट मूव किया तो आप भी उसी के साथ मूव करोगे, बेशक आप उसके साथ छोटा छोटा पोर्शन क्यों ना ले लो। उसकी अगर घड़ी खत्म हुई, मतलब उसकी प्रोग्रेशन की, अगर अब हो सकता है ना कि हमारे स्कूल में हम थे तो एक पीरियड हमारा हो गया, चलो 1 घंटे का एक पीरियड हो गया, आधे घंटे का, अब एक पीरियड 1 घंटे का हो गया, आपने जितने लेसन लिए उसके अंदर, उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे जाओगे ना, है ना, या नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा आपका, या नेक्स्ट लेसन लर्न करोगे। उसी तरीके से होता है यहाँ पर भी, जैसे ही प्लैनेट की घड़ी खत्म हुई, आपकी भी घड़ी खत्म हो जाएगी उसी के साथ।
पर ये घड़ी जो है ये सिस्टम के खत्म होगी या इतने टाइम की होगी, ये किसने तय किया और क्यों किया? ये तो मैम थर्ड डेंसिटी का वो बता, मतलब ये नहीं बोला कि केवल तुम्हारे प्लेनेट पे ही 25,000 साल की साइकिल है। उसने कहा हर क्रिएटर ने डिजाइन इस तरीके से किया है कि 75 की साइकिल थर्ड डेंसिटी के लिए इनफ है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो इतने इंटेंस होते हैं, इतने इंटेंस होते हैं कि यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि भाई मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। कुछ लोग डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं, फिर उनको क्रिएटर कहता है कि तुम चलो दूसरे प्लेनेट के ऊपर वो करो अपनी लेसन लो। तो कुछ लोग यहाँ ले लेते हैं, जो ले लेते हैं वो आगे प्रोग्रेस कर जाते हैं, जो आगे नहीं प्रोग्रेस, जो इग्नोरेंस में होते हैं वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। एक मिनट, क्रिएटर का ही डिसाइड किया हुआ है पूरा का पूरा, एक मिनट मैनेज करके काउंटर। ओके एक मिनट एवरीबॉडी, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ये पूरा जो पैराग्राफ जो इन्होंने पढ़ा, ये समझ में आया और आगे बढ़े या कुछ नहीं समझ में आया? क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे, तो पूछ लेना बेटर है, क्योंकि अगर यही नहीं समझ में आया तो आगे जाके फायदा नहीं है। एनीवन वांट्स टू से समथिंग? यस यस आई वांट टू से। या हु इज दिस? हेलो वीरल। या वीरल हेलो। या से जो यहाँ पे बता रहे, यस ये जो बता रहे हैं 25,000 राइट, तो वो ईयर के हिसाब से हुआ 25,000 ईयर्स। तो ईयर्स को हम कंसिडर किस तरह से करते हैं, दिन में महीने में, मतलब टाइम के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं। अगर टाइम वो डायमेंशंस फॉर्मेट है तो ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं ना। तो आगे जब हमने सुना था तो बताया था कि टाइम कंसिडर नहीं हो रहा है इसमें, तो ये कोरिलेट नहीं हो पा रहा। हाँ, तो इसको कोरिलेट कैसे करना है? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें पता था कि भाई ये टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन रा आपको इसलिए इन इयर्स के अंदर बता रहा है क्योंकि उसको पता है कि आपके लिए टाइम है। ठीक है, हमने जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग तो यूनिवर्सल लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको आपके प्लैनेट के लेवल पे आके बता रहा है कि आपके प्लैनेट की 25,000 की तीन साइकिल है। अब वो इस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना कैसे 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 स्विच होती है, मतलब कैसे टिल्ट करती है। तो जैसे ही वो टिल्ट करती है ना उसके हिसाब से होते हैं एक रफ एस्टिमेशन। आपने नोटिस नहीं किया पिछले सेशन में रा ने कहा था कि 75,000 से 76,000 साल तक की होती है साइकिल। अब ये जितनी भी दी है उससे अप्रोक्सीमेशन दी हुई है कि 25,000 साल की एक साइकिल, फिर दूसरी 25,000 साल की एक साइकिल, फिर तीसरी 25,000 साल की एक साइकिल। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपने हिसाब से चेंज होगी ना, तो फिर तो आप कर सकते हैं कुछ, नाम कर सकते हैं कुछ, वो तो प्लैनेट के ऊपर है ना कि वो कैसे चलेगा। उसकी लय है, वो अपनी लय बनाएगा, वही तो बताने की कोशिश कर रहा है। वो अच्छा बनाएगा तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। मुझे ना ये पूरा पैराग्राफ ठीक से समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा धीरे बोलो, धीरे मतलब स्पीड धीरे, और ये जरा ठीक से समझाओ केजी स्टूडेंट की तरह। देखो ये पता है आप लोगों के लिए ना, इसलिए हम कह रहे थे कि इसको करने के लिए ना आपको दिमाग के अंदर एक पिक्चर बना दो। पहले तो एक पिक्चर बनाओ दिमाग के अंदर, अपने प्लेनेट को अपने दिमाग के सामने रख लो, अर्थ को एकदम अपनी आंखों के सामने रखो। अब ऐसे सोच के चलना कि आपके सामने पूरी पृथ्वी दिख रही है आपको, और उस पृथ्वी के अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि ऊपर से मतलब नॉर्थ से सेंटर की तरफ आ रही है और साउथ से नीचे से भी सेंटर की तरफ आ रही है, और साथ में उसने उसके आसपास जितना भी है ना गोला सा बना दिया उसके। ठीक है, और साउथ से ही ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है बहुत स्ट्रेट। ठीक है, जो उसको बैलेंस करेगी, जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी के बीच में एक वो होती है अपनी सुई होती है, वो उसकी तरीके से बैलेंस करेगी। अब जब वो जो होती है ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जब वो मूव करना शुरू करती है ना, तो वो भी जो लाइन होती है ना वो मूव करना शुरू करती है या तो राइट या लेफ्ट, समझ गए? घड़ी के अंदर होता है ना जैसे सुई लेफ्ट भी जा सकती है और राइट भी जा सकती है, बट लेकिन आपको आगे भी पता नहीं है ये काम जो होता है ना ये सन मैनेज करता है बेसिकली, अर्थ की जो इसको अपनी रेडिएशन किस तरीके से करेगा उसके ऊपर, वो जहां से रेडिएशन मारेगा उसकी ऑपोजिट साइड का वो टिल्ट करना शुरू करती है।
जो वो आपकी होती है ना वो जो ऐसे बोल रहे हो आप ऐसे एक मिनट ऐसे बोल रहे हो आप हमें तो दिख ही नहीं रहा है आपके शेयर किया मैंने स्क्रीन अरे अच्छा ठीक है मतलब वो एक धरती एक स्फीयर से ऊपर से नीचे जैसे हम थर्ड फोकस में हम मेडिटेशन करते हैं कि हमारे क्राउन चक्र से एनर्जी जाके पैरों के अंदर से वापस अंदर जा रही है और साइड में से घूम के ऊपर से दोबारा आ रही है हाँ और दोनों साइड से निकल के आ रही है एक हाँ एक बबल बन गया बेसिकली हाँ इस तरह से एक मिनट मैं दिखाती हूँ ये इस तरह से एक शटरस्टॉक के ऊपर एक इमेज मिली मुझे ये है तो इंसान की लेकिन धरती की आप इस हिसाब से इमेजिन करो कि एनर्जी ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर और गोल घूमती हुई जा रही है ओके अंडरस्टूड अच्छा आगे आप क्या बोल रहे थे आगे इसका प्रोसेस इस तरीके से काम करता है इस फर्स्ट लेयर से जैसे उसे रेडिएशन देता रहेगा ना वो अर्थ उसकी रेडिएशन को एंजॉय कर रही होती है एंजॉय करते करते ना जो उसके बीच की जो लाइन हम आपको बता रहे इसके बीच में से एक लाइन जाती है जिसको मैनेज करती है सुई की तरह घड़ी घड़ी की सुई की तरह वो सुई के ऊपर ऊपर से वो टच होती रहेगी मतलब जो सन की रेज है उसको टच होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी और एक साइड से टिल्ट करना शुरू कर देती है अर्थ को अच्छा एक ही साइड से जहाँ से अगर फ्लेयर पड़ेगा वो दूसरी साइड पे जाके टिल्ट करना शुरू करेगी उसको जब वो टिल्ट करेगी ना तो उस तरीके से वो बता रहे कि वो धीरे 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 घड़ी की तरह एक साइड में टक 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 ऐसे करके टिल्ट करना शुरू करती है उसे और जब वो टिल्ट करती है ना तो वो कह रही थी 25,000 साल के बीच में जाके 25,000 साल की साइकिल होती है वहां जाके आई थिंक सर 16 फ्लेयर मारता है कि वो फाइनली वहां पे जाके जो घड़ी है ना जैसे 5 मिनट हो गए जैसे हम लोगों के लिए होता है ना कि 5 मिनट हो गए तो 5 मिनट में आपने कितना एक्सपीरियंस लिया उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि 25,000 साल में कितना एक्सपीरियंस लिया आपने मतलब एक जन्म हुआ फिर दूसरा जन्म हुआ फिर तीसरा जन्म हुआ फिर चौथा जन्म हुआ वो जितने जन्म आपने किए वो टोटल कैलकुलेशन होती है उस टाइम पे कि भाई कितने जन्म से मैंने इतना सीखा है उसकी टोटल एक्यूमुलेशन होती है उसके बेसिस के ऊपर फिर डिसाइड होता है कि भाई आपको अब नेक्स्ट प्लैनेट पे भेजा जाए किसी और पे प्रोग्रेशन के लिए या आपको इसी प्लैनेट पे दोबारा आगे फर्दर और ऊपर करी जाए आपकी क्लास तो अभी जो रा ने बताया था कि मैं आपको आपके पिछले जिंदगियों के बारे में सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो आपकी इस जिंदगी पे असर नहीं करेंगी तो इसका मतलब जो हिप्नोथेरेपी में लोग अपनी जाके पिछली जिंदगी देखते हैं या उससे कोई हीलिंग तो मुझे तो नहीं आज तक लगा के होती है मतलब आपको अवेयरनेस होती है लेकिन वो एक्चुअली में रात ही आगे जाके आपको बताएगा कि ये गोल होता है हर एंटिटी का इसको जानने का खुद क्योंकि देखो रात तो आपको बता देगा अब ये तो नहीं है ना रा ने पता क्यों बोली ये बात रा ने इसलिए बोली नहीं नहीं मैं एक मिनट मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ मैं ये कह रही थी कि अगर रा कह रहा है कि पिछली जिंदगी के बारे में जान के तो अगर आप जानेंगे ज्यादा तो आपकी इस जिंदगी पे असर हो सकता है यू मे चेंज आप अपने फैसले बदल सकते हैं या यू नो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने डिसाइड किया है वो आप बदल सकते हैं तो हम वो नहीं कर सकते इसका मतलब कि हिप्नोथेरेपी करके जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे ना कैसे गलत कर रहे फैसले चेंज हो सकते हैं ना इंसान के नहीं वो अगर खुद कर रहा है किसी और के कहने पे नहीं कर रहा है अच्छा हाँ। यहाँ पे दो चीजें है वो हिप्नोथेरेपी का सेशन लेने का डिसीजन भी उसी का था हाँ। उसमें जहाँ उसने अपनी प्रीवियस लाइफ देखी वो डिसीजन भी उसी का था फ्री विल हाँ। तो वहां पे उसकी फ्री विल कहीं पर भी उसने आजादी का उल्लंघन नहीं हुआ हाँ। तो जब उसने वहां से जो सीखा उसको अगर वो इम्प्लीमेंट करता है अपनी जिंदगी में आगे जाके तो उसमें कहीं पर भी कुछ गलत नहीं है अच्छा। अन्यथा इसी के ऑपोजिट सोचो अगर मैं मान लो कोई एक हमें ले दो हम अगर आपको ये बोलने लगे कि भाई आपकी प्रीवियस लाइफ में ना ऐसा था तो आप कहोगे अच्छा आप तो ये कह रहे हो ऐसा हुआ था
तो इसका मतलब मुझे अब ये करना चाहिए, तो आपकी जिंदगी का जो डिसीजन है वो मेरे कहने पे हुआ है, आपकी आजादी का उल्लंघन हो गया है। ओके, तो अब आप ये वो बता रहे थे कि जब वो 25,000 शिफ्ट होता है और जब वो टक करके उस सुई पे मतलब घड़ी सुई उस घड़ी पे आती है, तो ये इंटेलिजेंट एनर्जी ऑफर्स अ टाइप ऑफ क्लॉक, ये वाला जो है आप जरा टाइमिंग ऑफ दीज साइकल्स इज अ मेजरमेंट इक्वल टू द पोर्शन ऑफ इंटेलिजेंट एनर्जी, ये समझाएंगे व्हाट डज इट मीन बाय इंटेलिजेंट एनर्जी। इंटेलिजेंट एनर्जी का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अर्थ की। हाँ, दिस इंटेलिजेंट एनर्जी ऑफर्स अ टाइप ऑफ क्लॉक, द क्लॉक्स साइकल्स मूव एज प्रिसाइसली एज अ क्लॉक स्ट्राइक्स योर आवर, thus the gateway from intelligent energy to intelligent infinity opens regardless of circumstances on the striking of the hour. Iska matlab kya intelligent infinity? Iska matlab hai intelligent infinity matlab ki jo next progression hai na uske liye rasta khul jata hai aapke liye, darwaza khul jata hai creator ki taraf jane ka. Aap creator ki taraf jana hai ya kisi aur direction mein jana hai ye to darwaze samjhate hain basically sare. आपको डेटा डंप आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी आपके दिमाग में जब जब भी ऐसा हो रहा होता है। तो इंटेलिजेंट एनर्जी का जो गेटवे है ना हाँ। वो ओपन होता है और वो जाके कनेक्ट करता है इंटेलिजेंट इंफिनिटी से, यानी क्रिएटर के थॉट से। कहते जैसे ही वो क्रिएटर के थॉट से जाता है ना, तब आपके पास एक ऑप्शन आनी शुरू हो जाती है कि भाई मेरे लिए ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास है और ये वाली क्लास है, मेरे को चूज करना है कि मुझे कौन सी क्लास के अंदर जाना है। ओके, एनर्जी का इस्तेमाल, लेकिन वो ये कह दरवाजे खोल के क्रिएटर से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है। लेकिन जैसे वो कह रहा था कि 25,000 का 75,000 का साइकिल होता है अर्थ का, ठीक है, टोटल, और उसने कहा कि हर 25,000 पे साइकिल चेंज होता है, और जब अर्थ का साइकिल चेंज होता है तो उस अर्थ पे रहने वाले हर इंसान का साइकिल भी चेंज होता है, राइट? तो जब अर्थ का साइकिल चेंज होता है इंसानों पे क्या असर पड़ता है उसका, वो आगे बताएगा। अच्छा, बहुत जल्दी पूछ रहे जवाब। ओके 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 ओके, द ओरिजिनल द फर्स्ट एंटिटीज ऑन दिस प्लैनेट, व्हाट वाज देयर ओरिजिन, वेयर वर दे बिफोर दे वर ऑन दिस प्लैनेट। तो यहाँ का सवाल करता है कि इस प्लैनेट के ऊपर मतलब अर्थ के ऊपर पहले कौन था, मतलब वो कहाँ से आए थे और यहाँ पे आने से पहले वो थे कहाँ, तो हमको तो राव से जवाब देगा। इस धरती पर आने वाले सबसे पहले एंटिटीज थे पानी, आग, हवा और धरती, ये क्या बात हुई? हाँ देखा, ये है ना इंटरेस्टिंग, ये धरती पे आने वाला पहला मतलब एंटिटी अर्थ था, ये मतलब मिट्टी बोल रहा है, मिट्टी 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 बोल रहा है, मिट्टी। अच्छा अच्छा, ये मतलब ओके, द पीपल दैट वी नाउ हैव, द फर्स्ट पीपल लाइक अस, वेयर डिड दे कम फ्रॉम, हाउ डिड दे इवॉल्व। तो वो पूछ रहा है डॉन कि जो लोग आए, हम जैसे लोग या जो थोड़े बहुत भी हमसे मिलते जुलते, वो कहाँ से आए और आज जो हम हैं वहां तक कैसे उनकी तरक्की हुई, प्रोग्रेस कैसे हुई, बोलिए। You speak of third density experience. The first of those to come here were brought from another planet in your solar system called by you the red planet Mars. Oh, this planet's environment became inhospitable to third density beings. The first entities therefore were of this race, as you may call it, manipulated somewhat by those who were guardians at that time. तो सवाल उसने पूछा कि जो हमारे जैसे, बताओ हमारे जैसे इंसान यहाँ पर पहले कब आए, कहाँ से आए और वो आज तक यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो उसने सारे जवाब तो नहीं दिए लेकिन काफी हद तक उसने जवाब दे दिया रा ने। तो रा कहता है कि तुम अपनी जो थर्ड डेंसिटी मतलब जो अभी करंट हमारी डेंसिटी चल रही है, तुम उसके एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो यहाँ पे। कह रहे जो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर आए थे ना, वो एक तुम्हारे ही सौर मंडल का एक प्लैनेट है, लाल रंग का प्लेनेट है, उसे तुम मार्स बोलते हो। मार्स, मार्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, मंगल। हाँ, मंगल ग्रह से कह रहे वो आए थे। कह रहे कि उस प्लेनेट के जो लोग थे ना,
वहां पे जो कंडीशन ऐसी हो गई जीना मतलब मुश्किल हो गया था लोगों का. हो सकता है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, सकता है कुछ और हो सकता है उन्होंने खुद ही कर दिया हो, पता नहीं क्या कर दिया हो के ऊपर. कह रहा था वो इनहॉस्पिटेबल हो गया था, रहने लायक नहीं रहा था वो. तो कह रहे कि फिर उसके बाद उठा के हम लोग उनको यहाँ पे लेके आए, कह रहे और उसके बाद उनको हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया, मतलब चेंज किया उस टाइम के जो गार्जियन हुआ करते थे. मतलब गार्जियन बेसिकली ऐसा के चलो कि 24 गार्जियन जो अभी करंटली काउंसिल के ऊपर बैठते हैं वो है, कह रहे वो आए और उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया ताकि वो अर्थ के ऊपर रह सके. क्योंकि उस जमाने में जब ये हुआ था, ये उस जमाने में अर्थ ही थी जहाँ पे थर्ड डेंसिटी टाइप का एनवायरमेंट था. तो उस टाइम पे मार्स से उनको उठाया और उठा के यहाँ पे लाके रख दिया गार्डियंस ने, और उनको थोड़ा इनके हिसाब से एडजस्ट करो इन्हें ताकि यहाँ पे डेंसिटी की साइकिल थी उसको यहाँ पे आगे और प्रोग्रेस कर सके. क्योंकि वहां तो रहने लायक रहा नहीं. तो एक ऐसा हो गया कि भाई ये घर है वो रहने लायक रहा नहीं, अब इनको यहाँ से उठाओ जगह शिफ्ट कर दो. बिल्कुल ऐसी हुआ है. और ये काम गार्डियन जो थे उस टाइम के, मतलब उस टाइम के पेरेंट्स मान लो एक तरीके के, जो 24 गार्डियंस जैसे होते हैं उनका किया हुआ था ये. तो डॉन पूछता है कि वो कौन सी जाति के लोग थे और वो मार्स से यहाँ मंगल से धरती पे कैसे आए. जाति जाति तो नहीं कह सकते इसको, रेस को कैसा, किस प्रकार के लोग थे. अच्छा रेस, ओके ठीक है आगे बोलो. तो मतलब हाँ राव से कहता है वो किस प्रकार के लोग थे और वो यहाँ पे मार्स से और यहाँ पे आए कैसे, मतलब लाए कैसे गए. एक मिनट में रेस का मतलब जाति बोलते हैं रेस को. जाति अब फिर वही बात नहीं, इसमें इसमें जाति नहीं हुई, बट एक तरह से किस प्रकार के कह सकते हो आप प्रजाति. अच्छा ओके ओके. तो रा कहता है द रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स ऑफ दोज ऑफ योर सो कॉल्ड रेड प्लैनेट केयरफुल सीरीज of genetical adjustments made by the guardians of that time. यहाँ पे है कि ये जो प्रजाति थी ना, इनका जो मतलब ये अलग अलग तरीके के थे, ठीक है, इनको उठा के जब यहाँ से वहां से यहाँ लेके आया गया ना, तो उनका जो जेनेटिक कोड DNA उसके अंदर गार्डियंस ने उस टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट की थी ताकि वो यहाँ पे इस प्लेनेट के ऊपर सर्वाइव कर सके, आगे अपनी साइकिल को कंटिन्यू कर सके. These entities arrived or were preserved for the experience upon your sphere by a type of birthing which is non-reproductive but consists of preparing genetic material for the incarnation of the mind-body-spirit complexes of those entities from the red planet. बिल्कुल ये बहुत सही इसने बात बताई है यहाँ पे और ये थोड़ा interesting भी है. वो कहता है कि ये जो एंटिटीज जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, जो मार्स से यहाँ पर आए थे, ये उनको हम लोगों ने पहले यहाँ पर एक्चुअली पता है ये प्रोसेस क्या हुआ, अब आप थोड़ा सा ना इमेजिन करके देखना. प्रोसेस ये हुआ कि वहाँ पे हॉस्पिटेबल मतलब वहाँ पे रहने लायक जगह बची नहीं, तो उनकी जितनी भी सोल थी ना वो एक जगह पे इकट्ठी की गई और वहां से उनको यहाँ लाने से पहले यहीं की मिट्टी यहीं का पानी यहीं की सारी चीजों को इकट्ठा करके एक बॉडी बनाई गई, बॉडीज बनाई गई. ठीक है उनका हाँ, क्योंकि ये नॉन रिप्रोडक्टिव कह रहा है वो, मतलब एक एक भी सेक्सुअल उसमें नहीं हुआ है कि जिस तरीके से एक नॉर्मल तरीके का प्रोसेस होता है ना, मतलब ऐसा बनने का या वो कह रहा वैसे नहीं, यहीं की मिट्टी यहीं का पानी यहीं की सारी चीजें हम लोगों ने यूज की उससे बॉडीज बनाना शुरू की. फिर वहां से हम लोग उनकी जो वो लेके आए ना सोल को लाके इसके अंदर ट्रांसफर किया. ट्रांसफर करने के बाद फिर उनका जेनेटिक जो DNA था फिर हमने वो चेंज किया ताकि सोल उस DNA के साथ कनेक्ट हो और उससे अपनी इंफॉर्मेशन नॉर्मली लेती रहे और नॉर्मली सारी चीजें चलती रहे और उसके बाद वो आगे अपनी जिंदगी यहाँ पे गुजर बसर आगे दोबारा बसर. मतलब जो कहानी है कि पार्वती ने गणेश को मिट्टी से बनाया उस तरह, ये मान सकते हो एक तरीके से. अच्छा
और उसके ठीक है, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अपने अपने धर्म में अलग हो सकती है। हाँ, इसलिए हम अपने पर्सनल को जजमेंट देते ही नहीं है। नहीं, ऐसा सोचना होगा वो सोच लेगा। दिस इज नॉट अबाउट हिंदुइज्म, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कहानियां बनती हैं, जैसे कि उन्होंने ऐसा किया, तो मतलब वो सच हो सकता है, वो सच अपॉन योर स्फीयर बाय अ टाइप ऑफ बर्थिंग व्हिच इज नॉन रिप्रोडक्टिव बट कंसिस्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग जेनेटिक मटेरियल फॉर द इनकार्नेशन। अब ये इनकार्नेशन मतलब ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट, पुनर्जन्म, मतलब उनके अंदर इस तरह से बनाया गया कि वो उनका पुनर्जन्म होता रहे। बिल्कुल सही बात। डॉन पूछता है, देन आई एम अज्यूमिंग व्हाट यू आर सेइंग इज दैट द गार्डियंस ट्रांसफर्ड द रेस हियर आफ्टर द रेस हैड डाइड फ्रॉम द फिजिकल एज वी नो इट ऑन मार्स, इज दैट करेक्ट? हां, तो वो डॉन देखो उसके पूछ रहे, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्स पे रहने वाली जो रेस, जो प्रजाति थी, वो मर गई थी, उसकी जो सोल थी, मतलब जो उनकी आत्मा थी, उनका से तुमने यहां ट्रांसफर किया और यहाँ पे जो तुमने बॉडीज बनाई उनके अंदर उन आत्माओं को डाल दिया। कह रहा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राव से बोलता, हाँ तुम सही कह रहे हो। Right. The guardians obviously were acting with an understanding of the law of one in doing this. Can you explain the application of law of one in this process? तो डॉन से सवाल करता है कि यार इसका मतलब जो गार्डियंस है, जो पेरेंट्स, जिसका गार्डियंस टिपिकली यूज करेगा ना वर्ड, तो आपके दिमाग में 24 वैसे 24 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उस टाइम पे जो गार्जियंस थे ना उनके बारे में बात कर रहा है ये कि इन लोगों ने ये ट्रांसफर किया था। कह रहे तो इसका मतलब डॉन से पूछता है कि इसका मतलब ये कह रहे हो कि जो गार्जियंस थे इसका मतलब उन्हें जो लॉ ऑफ वन, बाय द वे लॉ ऑफ वन का मतलब आपको बताया था, ये कोई लॉ नहीं है, ये तरीका है, तरीका जैसे जीने का तरीका होता है ना, तो क्रिएटर के बनाए हुए तरीके है ये। तो कह रहा है कि इसका मतलब उनको ये जो लॉ ऑफ वन के जो तरीके थे ये सारे पता थे, तो तुम हमें बता सकते हो कि इन्होंने उन तरीकों को यहाँ पे कैसे, इस काम को करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया? The law of one was named by these guardians as the bringing of the wisdom of the guardians in contact with the entities from the red planet, thus melding the social memory complex of the guardian race and the red planet race. Oh. उन्होंने अपनी जो विजडम थी इसका उन्होंने नाम रखा ब्रिंगिंग ऑफ द विजडम ऑफ द गार्डियंस, मतलब समझदारी, अपनी जो ज्ञान था उनका, ज्ञान, उन्होंने बस उसको ये मान लिया कि ये भाई ज्ञान है, मतलब लॉ ऑफ वन जो है तरीका का ज्ञान है, और ये जो ज्ञान है ना इसका इस्तेमाल करते हुए वो मार्स के लोगों के साथ घुलने मिलने लग गए, और क्योंकि मार्स बहुत टाइम पे मार्स के लोगों ने बुलाने लग गए हो, तो आपस में एक दूसरे से बात हुई हो, तो कह रहे कि हम लोग आपस में मिलके एक तरीके से उस टाइम के गार्जियन से एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे ये लोग सारे मिलके। अब जरूरी नहीं पूरे के पूरे प्लैनेट के लोग कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग तो कर ही रहे थे इनके साथ, हालांकि तो वो हमारे साथ मिलके काम कर रहे थे, तो हम लोग आपस में एक दूसरे थॉट को शेयर करते थे, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग को। कह रहे जब हम लोगों ने शेयर करना शुरू किया ना, तो वो कह रहे हैं मेमोरी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ द, हां कह रहे कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे थे चीजें। अभी तक उसने इतना ही बोला, आगे और पढ़ते। हाउएवर इट टुक एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ वन from the viewpoint of other guardians, and it is from this beginning action that the quarantine of this planet was instituted, for it was felt that the free will of those of the red planet had been abridged. Bilkul, ye bahut important point hai वैसे। तो कह रहे हैं कि इसको law one को यहाँ पे apply करने के लिए ना, जो उस time पे guardians जो इनके contact में थे और क्या कहते हैं उस planet की प्रजातियों के साथ मिलके काम कर रहे थे, तो उनको समझ में आया उस टाइम के गार्डियंस को कि भाई ये जो है ना अब इनको उठा के यहाँ पे प्लैनेट पर रख दो अर्थ पे, लेकिन इसके अराउंड अभी क्वारंटीन लगाई दो, क्योंकि मार्स पे जो लोग रह रहे थे ना उस टाइम पे उनकी आजादी का भयानक तरीके से उल्लंघन हुआ था, उनकी सारी की सारी ही लोगों की आजादी का ही उल्लंघन हो गया, और जैसे उनकी आजादी का उल्लंघन हुआ इनको समझ में आया कि आप इनको इस प्लैनेट पर डालो
और यहाँ पे क्वारंटीन लगा दो ताकि बाहर पे कोई एंटर ना कर पाए, इनको इनके इनके दिमाग को खराब करने के लिए। तो ये रेड प्लैनेट मंगल के लोगों का लोगों को किसने इन्फ्लुएंस किया था? यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो गार्डियंस हैं, आगे पता चलेगा मैम, आगे पता चलेगा। अच्छा, ओके ओके। वर द एंटिटीज ऑफ द रेड प्लैनेट फॉलोइंग द लॉ ऑफ वन प्रायर टू लीविंग द रेड प्लैनेट? तो कह रहे हैं कि ये जो मंगल ग्रह के जो लोग का मतलब इनको लॉ ऑफ वन का ज्ञान था, मतलब रेड प्लैनेट मतलब उसको मंगल ग्रह को छोड़ने से पहले इसका मतलब इनको लॉ ऑफ वन के जो तरीके हैं उनको ये अच्छे से समझते थे, इसका मतलब ये डॉन का हवाल है। The entities of the red planet were attempting to learn the laws of love, which form one of the primal distortions of the law of one. Why does he call it distortions? Distortion मतलब होता है एक ही चीज में से मरोड़, इसे कई अर्थ तरोड़ मरोड़ कह दो। हाँ, अच्छा। However, the tendencies of these people towards bellicose actions caused by such difficulties in the atmospheric environment of their planet that it became inhospitable for third density experience before the end of its cycle. नहीं समझ में आया। Thus, the red planet entities were harvested and continued in your illusion to attempt to learn the law of love. अच्छा, तो वो कह रहा है कि उस टाइम पर ना हुआ क्या कि ये जो वहाँ के लोग थे ना मंगल ग्रह के, तो वो ना प्यार को समझने की कोशिश कर रहे थे। लॉ ऑफ वन के अंदर जो लव मेंशन किया हुआ है ना, मतलब ये जो चारों प्राइमल फोर्सेस और ये साथ में कैसे काम करती हैं और क्रिएटर का लव काम कैसे करता है, यार उसको समझने की कोशिश कर ही रहे थे यार। लेकिन वहाँ के ज्यादातर जो लोग थे ना उनका वही लड़ाई मार धाड़ उसी तरीके का उनका उनकी आदत थी, वो आपस में वो उन ही नहीं जाता था, वो हर बात पे बस कुछ भी बात हो बस अपने सिर पे ले ली और आपस में लड़ते के लिए घुस गए। कह रहा कि इस तरीके के उस तरीके का एनवायरनमेंट वहां का बन गया कि ये कुछ तो सीख रहे थे और कुछ जो थे उनके इस तरीके का था बिहेवियर, कह रहा उसकी वजह से। अब वो आगे बताएगा कि हुआ क्या था वहां पे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं उसकी वजह से उनका जो एनवायरनमेंट था ना पूरा का पूरा ही रहने लायक नहीं रहा, कह रहा। और उनकी साइकिल खत्म होने से पहले पहले उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि अपना पूरा एनवायरनमेंट ही खराब कर दिया। और कह रहा जब ये एनवायरनमेंट उन्होंने खराब किया तो वो हार्वेस्ट भी नहीं हो पाए। हार्वेस्ट क्या होती है हमने आपको बताया था, बताया नहीं है, आगे जाके वो बताएगा कि हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है। कह रहा वो हार्वेस्ट भी नहीं हो पाए, मतलब उनकी कटाई भी नहीं हो पाई, इस वजह से हम लोगों को मजबूरी में उनको वहां से उठा के इस प्लेनेट पे परखना पड़ा ताकि वो जो प्यार की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, या कह दो कि क्रिएटर की वो प्राइमल चार फोर्सेज है उनकी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे सीख सके और यहाँ शुरू कर सके अपनी ये पूरी की पूरी पढ़ाई, अपने लेसन यहाँ सीखे। मतलब मैं 50 साल से जो कह रही हूँ बक रही हूँ, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये धरती पैसे पे नहीं प्यार पे गोल घूमती है। That is love is God, God is love, that is a fact. Correct. Thank you. How long did this, long ago did this transfer occur from the red to earth? ये कितने साल पहले हुआ था transfer मंगल से धरती पे? In your time, this transfer occurred approximately 75,000 years. तो रा बोलता है 75,000 साल पहले हुआ, तो कहता है 75,000 साल पहले, तो कहता है हाँ अप्रोक्सीमेटली, मतलब अंदाजन। वर देर एनी एंटिटीज इन दिस फॉर्म दैट आई एम नाउ, टू आर्म्स टू लेग्स ऑन दिस प्लैनेट बिफोर दिस ट्रांसफर अकर्ड? तो वो उसे पूछता है डॉन कि मतलब उनको यहाँ पे लाने से पहले और कोई प्रजाति थी इस पृथ्वी पे जिनके मतलब दो हाथ दो पैर? वो मतलब डॉन अपने पे लेके कर रहा था क्योंकि हर कोई सवाल जो होता है ना वो अपने पे लेके करता है सीखने के लिए, जनरली ऐसे ही होता है। जैसे मुझ जैसे इंसान कोई थे क्या? हाँ, तो वो उसने कहा कि मतलब उनको जब तुम वहां से यहाँ लाए तो क्या उससे पहले और कोई प्रजाति थी जिसके दो हाथ और दो पैर हो? There have been visitors to your sphere at various times for the last 4 million of your years, speaking approximately. These visitors do not affect the cycling of the planetary sphere. It was not third density in its environment until the time previously mentioned. Wow. वो कह रहा है कि
इससे पहले भी हमारे प्लेनेट पे ना बहुत सारे विजिटर, ये जो विजिटर की बात कर रहा है ना यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा प्लेनेट विजिट किया हुआ है, पहले मैं बताता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। ये वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर मतलब धरती के ऊपर 4 मिलियन साल से, 4 मिलियन हो गया 40 लाख साल से इतने लोग तुम्हारे प्लेनेट पे आते ही रहे हैं घूमने के लिए, आगे देखने के लिए भाई ये प्लेनेट कैसा है, मतलब सोचो यार क्या जिंदगी होगी, अपने क्राफ्ट उठाए प्लेनेट को देखने के लिए चलते हैं जैसे यहाँ पे मॉल घूमने जा रहे हैं। तो मतलब वो वहां से उठ के यहाँ पर आके घूमने के लिए आए थे, उस टाइम पर उन्होंने तुम्हारी साइकिल का ना तो कुछ इफेक्ट होना था उनके आने से और ना ही कोई उसका कोई फर्क पड़ा। कह रहे कि ये जब तुम्हारी थी ना जो थर्ड डेंसिटी का जो एनवायरनमेंट बना, कह रहा वो बना ही 75,000 साल पहले था, इस वजह से ये ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, मतलब इस वजह से वहां पे मार्स से उठा के यहाँ पे लाया गया। उससे पहले ये जो तुम्हारी पृथ्वी थी ना ये लॉक थी फर्स्ट और सेकेंड डेंसिटी के लिए, ये मतलब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। वो कह रहे हैं इससे पहले एक इंसान यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाता, उस तरीके का वो ही नहीं था, एनवायरमेंट ही नहीं था। कह रहे जैसे वो थर्ड डेंसिटी की हुई तब हमने उन्हें उठा के उधर से इधर कर दिया, मतलब ये ऐसा है कि मतलब आप पास से उठा के पास में रखो यार, कौन इतनी दूर जाएगा उधर रखने के लिए। Then there were second density entities here prior to approximately 75,000 years ago. What type of entities were these? तो डॉन उससे पूछता है तो इसका मतलब सेकेंड डेंसिटी की एंटिटीज 75,000 साल से पहले यहाँ पे रहती थी, तो ये सेकेंड डेंसिटी की प्रजाति दिखने कैसी थी, मतलब कैसी होती है जरा उसके बारे में बताओ। मैं इंसान को छोड़ दिया, उससे पीछे चला गया डॉन। Second density is the density of the higher plant life and animal life which exists the upward drive towards the infinite. These second density beings are of an octave of consciousness, just as you find various orientations of consciousness among the conscious entities of your vibration. ये तो तुम्हारे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे और ये और जानवर यार इनकी थी। अब इनमें भी अलग 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 तरीके के थे, देखो हर किसी की समझ जानवर में भी अलग अलग समझ होगी। आप मतलब कुत्ते को देखोगे उसकी समझ अलग है, बिल्ली को देखोगे उसकी अलग है, शेर को देखोगे उसकी अलग है, और हिप्पोपोटामस को देखोगे उसकी अलग है। तो कह रहे हैं ये सब अलग अलग उसमें थे, मतलब अलग अलग तरीके से जीने की कोशिश कर रहे थे बारे के बारे, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो उनके अंदर थी, क्योंकि वो बने तो इसी कॉन्शियसनेस के अंदर ही है, सेकंड डेंसिटी में थे। कह रहे कि दीज सेकंड डेंसिटी बीइंग्स आर ऑफ एन ऑक्टेव ऑफ कॉन्शियसनेस, जस्ट एज यू फाइंड वेरियस ओरिएंटेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस अमंग द कॉन्शियस एंटिटीज ऑफ प्योर वाइब्रेशन। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं वो, कह रहे ये भी बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे तुम्हारे लोगों के बीच में है, किसी को थोड़ा ज्ञान है, किसी को ज्यादा ज्ञान है, किसी को उससे कम ज्ञान है, किसी का कुछ ज्ञान है और किसी का कुछ ज्ञान है, तो हर किसी का अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उन जानवरों में भी और उन पेड़ पौधों के बीच में भी। क्या तो सेकंड डेंसिटी वो थे, वो धीरे थे, लेकिन वो सेकंड डेंसिटी फिर आगे 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 उनके साथ चलती आगे आ गई, क्योंकि वो ही सेकंड डेंसिटी थी जिसकी वजह से ये जो ट्रांसफर था ना तब जाके थर्ड डेंसिटी खुलनी शुरू हुई। जब तक थर्ड डेंसिटी खुलेगी, थर्ड डेंसिटी खुल ही नहीं सकती थी अगर पहली डेंसिटी और फिर उसके बाद दूसरी डेंसिटी, जब दूसरी डेंसिटी का कंप्लीशन हुआ फिर जाके तीसरा दरवाजा खुला थर्ड डेंसिटी का। इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी चलती है यूनिवर्स में। डॉन ने पूछा, डिड एनी ऑफ दीज सेकंड डेंसिटी एंटिटीज हैव शेप्स लाइक आवर्स, टू आर्म्स, टू लेग्स, हेड, वॉक अपराइट ऑन टू फीट? हाँ, तो डॉन उससे पूछ रहे कि ये जो तुम ये सेकंड डेंसिटी की प्रजाति है जिसकी तुम बात कर रहे हो, क्या इनमें से कोई ऐसी थी जिसके 2 हाथ 2 पैर, हमारे जैसा सर और हमारे जैसे सीधा चलता हो दोनों पैरों पे, ऐसी कोई प्रजाति थी? The two higher of the sub-vibrational levels of second density beings had the configuration of the biped, as you mentioned. However, the erectile movement which you expect is not totally affected in these beings who were tending towards the leaning forward, barely leaving the quadrupedal position. Okay, right. ऐसी दो तरीके की प्रजाति थी तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है? जिनका इस तरीके का था कि हाँ उनके दो पैर भी हैं और 2 हाथ भी हैं,
कह रहे कि लेकिन उनकी ना जो मूवमेंट थी ना, मतलब जो चलने का तरीका था ना, वो तब भी उसको मास्टर नहीं कर पाए थे। तब भी उनका ऐसे ही था कि वो आगे झुक के चलते थे और मतलब हल्का सा खड़े हो गए, चलो दो पैरों पे खड़े तो हो गए, लेकिन फिर वो आगे नीचे झुक के फिर से दोबारा कहते अपने हाथ रख देते थे। कहते थे वो ज्यादातर पाँव पे ही चल रहे, मतलब दोनों हाथों का इस्तेमाल और दोनों पाँव का इस्तेमाल कर रहे थे एप्स की तरह। क्वाड्रो पैडल पोजीशन कह रहे कि बहुत ही मुश्किल होती थी उनको कि भाई हाथ उठा के और सीधा चलने में। कह रहे तो ज्यादातर ना वो दोनों मतलब दोनों पैरों का इस्तेमाल और दोनों हाथों का इस्तेमाल करते थे। Where did these beings come from? Were they a product of evolution as it is understood by our scientists? Were they evolved from the original material of the earth that you spoke of? This is correct. So, वो कहता है कि और उससे पूछते तो ये जो प्रजाति है जिसकी तुम बात कर रहे हो सेकंड जनरेशन के जो चार दो पांव और दो हाथ हैं जिसके, क्या ये हमारे प्लेनेट पे ही मतलब धरती पे ही आगे मतलब आगे आगे बढ़ते हुए चले, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट हमें बताए कहते हैं ये अर्थ के ही ओरिजिनल मटेरियल से बने हुए थे क्या, मतलब जैसे आपका ये मिट्टी और इसी के बने हुए थे। तो रा कहता है हाँ ये इसी के बने हुए थे। Do these beings then evolve from second density to third density? तो कहते हैं कि ये क्या यही वो प्रजाति है जो सेकंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी में मूव कर गई, मतलब इंसानों वाली में। बाहर शोर था, दरवाजा बंद करने गई थी। दिस इज करेक्ट। ऑल्दो नो गारंटी कैन बी मेड ऑफ द नंबर ऑफ साइकल्स इट विल टेक एन एंटिटी टू लर्न द लेसन्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ व्हिच आर द प्री रिक्विजिट फॉर ट्रांजिशन टू थर्ड डेंसिटी। ये बहुत अच्छी बात बोली इसने। यहाँ रहा कह रहा है जो तुम कह रहे हो ना, ये सेकंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी का जो मूवमेंट होगा प्रजाति का, ठीक है, जो दो हाथ और दो पैर पे चलती थी, यार तुम जो समझ रहे हो ना ये बिल्कुल सही समझ रहे हो। हालांकि हम तुम्हें बता दें कि वो करने के लिए उनको कितनी बार जीना पड़ा, कितनी बार मरना पड़ा, उसकी साइकिल मतलब कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि हर किसी की अलग अलग चल रही थी। कह रहे कि वो लेसन लर्न करते करते वो एक लेवल पे आ गए जहाँ पे उनको जाके पता चला अरे मैं हूँ। हो सकता है उन्होंने पानी के अंदर शक्ल मुंह झांका अपना, उनको लगा अरे ये क्या है, अरे ऐसे मूव कर रहा हूँ, अरे ऐसा हो रहा है, तो वो उसको समझने लग गए थे। जैसे उनके अंदर वो मैं आया ना कि हाँ मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, अब एक वो सवाल ट्रिगर जैसे हुआ ना, वो सवाल होते हर टेंशन उनसे। यही वो इम्पोर्टेंट चीज थी कि हाँ ये जान लेना कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ, यही था वो ट्रिगर। उसके बाद एकदम से थर्ड डेंसिटी का रास्ता खुल गया था। Is there any particular race of people on our planet now who are incarnated here from second density? So, वो पूछता है कि अभी ऐसे कोई लोग हैं हमारे बीच के अंदर, ऐसी कोई प्रजाति हमारे बीच के अंदर जो यहाँ पे पुनर्जन्म लेके आई हो second density से यहाँ पे, मतलब third density में। There are no second density consciousness complexes here on your sphere at this time. However, there are two races which use the second density form. One is the entities of the planetary sphere you call Maldev. These entities are working their understanding complexes through a series of what you would call karmic restitutions. They dwell within your deeper underground passageways and are known to you as Bigfoot. Wow. है ना, अब यहाँ पे आपको मजा आना शुरू होगा। तो कह रहा है देखो यार, तो दूसरी डेंसिटी के जो लोग जो कॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्सेस है ना, वो अभी इस प्लेनेट पे तुम्हारे बीच में ज्यादा है नहीं। तो वो कह रहे कि लेकिन इसमें दो तरीके की डेंसिटी है इनके अंदर भी, मतलब सेकंड डेंसिटी के बींग ही है वो, लेकिन इनके अंदर दो तरीके है। कह रहा है कि एक तो वो है जो मेल्डेक से उठा के भी यहाँ पर लाए गए, क्योंकि तो मेल्डेक वालों ने भी अपना वो कहते फाड़ दिया था प्लेनेट, वहां पे पूरा का पूरा उड़ा दिया था उन्होंने अपना प्लेनेट। कह रहा कुछ तो वो थे जिनको उठा के यहाँ पर लाया गया सेकंड डेंसिटी के अंदर, थर्ड डेंसिटी के अंदर नहीं। अब आप सोचो, अब आपको यहाँ पे अंदाज लगेगा कि जब कोई प्लैनेट की एंटिटी अपने प्लैनेट को ही उठा के फाड़ दे पूरे के पूरे को, तो उनके साथ होता क्या है। वो उस टाइम पे उनको समझ में आ जाता है कि अबे यार हमने क्या कर दिया यार, पूरा प्लैनेट ही फाड़ दिया हम लोगों ने अपने मजे के चक्कर में, हमें मजा आ रहा था, हमारा पूरा प्लैनेट उड़ गया यार। उसके बाद उनको ये समझ में आ जाता है कि यार हम तो थर्ड डेंसिटी लायक है ही नहीं, दिमाग से तो हम आज भी वही हैं,
लड़ाकू बंदर, बस छाती पीट नहीं आती हमें यार, तो उनको उठा के क्या कहते, फिर उन्होंने ही डिसाइड किया कि भाई हाँ तो हमें लग रहा है कि हमें अपना लगता है सेकंड डेंसिटी को ही दोबारा रिपीट करना चाहिए, हम थर्ड डेंसिटी के लायक है नहीं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उनको उठा के हम लोगों ने तुम्हारे मेरिडेक वालों को उठा के सेकंड डेंसिटी में यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे रखा उनको, क्योंकि उनकी जो मेजोरिटी के लोग थे, जो मेजोरिटी लोग थे ना, उन्होंने ये डिसाइड किया, उनकी जो सोच थी, उनकी जो आत्माएं थी, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि भाई हम लोग तीसरी डेंसिटी है, हमसे ज्यादा बदतमीज कोई है इस दुनिया के अंदर, उनको अंदाजा लग गया था। तो उन्होंने कहा यार यहाँ पर बैठते अपने चुपचाप, ठीक है, इस प्लेनेट के ऊपर, थर्ड डेंसिटी के ऊपर, और अपनी सेकंड डेंसिटी को दोबारा रिपीट करते हैं, और अपना जो हमारे ये जो कर्म है ना, जो हम लोगों ने किए हैं, अब इनको जरा ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये सोच लो, जो लोग इस तरीके की सोच या कुकर्म कर रहे होते हैं ना, वहां पे जाने के बाद जब उनकी ही मेजोरिटी के और ज्यादा लोग मिल जाते हैं ना, तो उनको समझ में आता है यार क्रिएटर ने इतनी बढ़िया दुनिया बनाई हुई थी और हमने अपना पूरा का पूरा प्लेनेट ही उड़ा दिया। तो वो डिसाइड करके उन्होंने वापस में ये किया, आपस में समझौता, नहीं भाई आगे जाने का कोई फायदा नहीं है जब तक हम लोग ये ना सीख पाए कि भाई एक प्लेनेट को कितने प्यार से उसके साथ रहा जाता है, उसकी नेचर के साथ किस तरीके से रहा जाता है। अब उन लोगों ने अपना ट्रांसफर कराया सेकंड डेंसिटी में, यहाँ पे कहते हैं कि इन मतलब अपने कर्म, अपने कर्म जो है ना उनका, जो उन्होंने अपने कर्म छोड़ लिए थे, अब उसके बैठ के उसका क्वेश्चन कर रहे थे वो लोग यहाँ पे, कह रहे कि ये तुम्हारे जमीन के नीचे, मतलब जमीन के नीचे रहते अंडर पैसेज जो बना रखे है ना वहां रहते हैं, इनको तुम लोग बोलते हो बिग फुट। दो तरीके कहेंगे, एक तो मेल्डिक, उसने बोल दिया ना, दो रेसेस हैं ऐसी सेकंड डेंसिटी की, यानी पहली है बिग फुट। बिग फुट अगर आप लोगों को समझना है ना, तो आप बिग फुट के वैसे तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन बिग फुट आप ऐसे मान के चल सकते हो जैसे नेपाल में यति होते ना, यति आपको कुछ लोगों को शायद पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बाकी आपको देख लेना यूट्यूब करके, क्या है बिग फुट में बहुत सारी सीरीज बनी हुई है। एक बंदा भी है मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो क्रिप्टोग्राफर है वो, अगर आपको जानना है बिग फुट के बारे में तो आप उसकी वो देख सकते हैं यूट्यूब पे, शायद मिल जाए आपको। यति तो वो क्या ये तो मतलब एप की तरह हो गए, नहीं एक ना, अभी दूसरे के बारे में और बता रहे हैं वो। अच्छा, जो दूसरी रेस है, that being offered a dwelling in this density by guardians who wish to give the mind body spirit complex of this density at this time appropriately engineered physical vehicles, as you would call these chemical complexes, in the event that there is what you would call a nuclear war. Kehna aur ek usi ke andar se prajati aur nikli, matlab jab ye transfer hua to matlab udhar se Meldek se bhi utha ke log laye gaye aur Mars se bhi utha ke log laye gaye, और इधर से जो नीचे की प्रोग्रेशन चल के आ रही थी वो बंदरों वाली वो भी चली रही थी। तो तीन चीजें हो गई हमारे सामने, अभी वो दो की बात कर रहा है, वो कह रहा है जो तुम्हारे वाले थे वो तो बेचारे धीरे 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 तो बंदरों वाली प्रजाति आगे निकली है, कह रहा लेकिन ये जो दो थे इसमें से एक तो बन गई बिग फुट, ठीक है, जो मेल्टेक वाले थे वो बन गए बिग फुट, बिग फुट में भी अलग अलग है वैसे तो, कह रहा एक तो बन गए बिग फुट और एक और बनाई गई गार्जियन ने बना के रख ली, उनको एक इस तरीके का फिजिकल व्हीकल दे दिया जो आपको दिखेगा नहीं इसी प्लैनेट के ऊपर, वो आपको दिखेगा नहीं, कह रहे उसको एक तरीके का एक जीन पूल बना लिया उन्होंने, जैसे जीन पूल होता है कि इनको संभाल के रखो अगर इस प्लैनेट में न्यूक्लियर वॉर होती है, तो जब ये आपस में एक उड़ा दे सारे के सारे, कह रहे तब इनको यहाँ पे दोबारा ला के रखो ताकि ये लोग यहाँ पे अपने नॉर्मल इंसान की तरफ ही जिंदगी जी सके, अदरवाइज उनको अलग तरीके के फिजिकल व्हीकल दिए गए थे, मतलब फिजिकल बॉडी अलग से दी गई है, वो आपको दिखेगी नहीं। ये समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया ना? नहीं, वो कह रहे हैं एक तो एक मिनट एक तो उन्होंने कहा कि एक तो थे मेल्डेक से आए हुए लोग जो जमीन के नीचे रहते हैं और उनको हम लोगों ने नाम दिया है बिग फुट, ओके, वो मतलब क्या कहते हैं एप्स की तरह जो बड़े बड़े इंसानों की बंदर और इंसान के बीच का टाइप, राइट, और दूसरा वाला है दैट इज हाँ चलो गोरेला और इंसान के बीच का टाइप। द अदर रेस इज दैट बीइंग ऑफर्ड अ ड्वेलिंग इन दिस डेंसिटी बाय गार्डियंस, ये कौन से गार्डियंस की बात कर रहा है, वो सैटर्न वाले गार्डियंस की कॉन्फेडरेशन की, हु विश टू गिव द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दोज हु आर ऑफ दिस डेंसिटी एट दिस टाइम अप्रोप्रिएटली इंजीनियर्ड फिजिकल व्हीकल्स, ये समझाओ
As you would call these chemical complexes, in the event that there is what you call nuclear war, ये नहीं समझ में आया. ये मैं कह रहा था कि ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा आप लोग. अब आप ना एक बार अपने दिमाग से एक पिक्चर जरा सोच के चलना, ठीक है? आपको पिक्चर से समझाते हैं. इसमें है कि जो दूसरी रेस है ना, जो दूसरी रेस है, उसने मतलब उसी प्रजाति के अंदर से, वही गोरिल्ला वोरिल्ला टाइप की जो प्रजाति थी ना, बाय द वे इनको डॉगमैन बोला जाता है. वैसे क्या बोला जाता है? डॉगमैन, डॉगमैन ये दिखने में आधे इंसान और आधे कुत्ते के जैसे लगते हैं. चेहरा कुत्ते के जैसा होता है. लेकिन हाँ हाँ याद आया, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. अच्छा तो वो अभी भी जिंदा है क्या? मैम बहुत बहुत जगहों पे है, जंगलों में जाओगे बहुत है. अरे बाप रे, इनकी कैपेबिलिटीज देख ली ना आपने, ये अपने आप को गायब कर लेते हैं. एक मिनट, ये वो जो फिल्म्स बनती हैं वेयरवुल्फ की, जो इंसान से वुल्फ. हाँ हाँ वही. अच्छा ठीक, अब समझ. मूवीज बनती है ना वो यहीं से निकल के आई है, हम बता तो रहे हैं आपको. अच्छा, दुनिया तो मूवीज देखती है, आपके सामने तो ज्ञान आ रहा है पूरा. एग्जैक्ट, तो वो कह रहे हैं कि दूसरी थी ना, वो गार्जियंस ने उनको अप्रोप्रिएटली इंजीनियर किया, मतलब कुत्ते जैसा और इंसान के जैसा, उसको मिक्स कर दिया बेसिकली. दरअसल मिक्स किया और मिक्स करके ऐसा बना दिया कि उनके पास तो कैपेबिलिटी है कि मान लो अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई, वो तो गायब भी हो जाएंगे, इसी एनवायरमेंट के अंदर ही गायब हो जाएंगे. और जब वो गायब हो जाएंगे, उनके पास तो कैपेबिलिटी है कि न्यूक्लियर वॉर हो गई, सारी सारी प्रजातियां उड़ गई प्लेनेट के ऊपर, मार दिए एक दूसरे को, वो प्रजाति होगी यहाँ पे अपना कंटिन्यू करेगी. उनके फिजिकल व्हीकल के अंदर यहाँ से जिनको इस प्लेनेट के ऊपर दोबारा रिपीट करना पड़ जाए मान लो, तो फिर वो वाला शरीर मिलेगा, उसके अंदर फिर वो ट्रांसफर की जाएंगी जीने के लिए. तो एक नॉर्मल इंसान से फिर वो खुद से इंसान वाली कर लो न्यूक्लियर वॉर. ठीक है, I didn't understand what these vehicles or beings were for that were appropriate in the event of nuclear war. डॉन भी नहीं समझा. कह रहा है कि डॉन ने पूछा, ये ना मुझे समझ नहीं आया, ये कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसको आपने न्यूक्लियर इवेंट के टाइम के लिए बचा के रखा हुआ आजकल? These are beings which exist as instinctual second-city beings which are being held in reserve to form what you would call a gene pool in case these body complexes are needed. These body complexes are greatly able to withstand the rigors of radiation, which the body complexes you now inhabit could not do. Okay. कह रहे हैं कि सवाल उसने किया कि भाई कौन सी प्रजाति है तो ये न्यूक्लियर को भी मतलब झेल जाती है, और ये मतलब है कहाँ पे, मतलब है ना कि ये तो नहीं पता कहाँ पर है, और ये पूछा कि ये कौन सी प्रजाति. तो उसने बताया है कि ये जो प्रजाति है ना, ये इंसान और सेकेंड डेंसिटी बीइंग दोनों का मिक्सचर टाइप की है. कह रहे इसको गार्जियन ने अभी भी संभाल के रखा हुआ है, एक जीन पूल बना के रखा हुआ है कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो तो इनको यहाँ पे उसके बाद ले आया जाए, क्योंकि इनके पास वो कैपेबिलिटी है कि अगर न्यूक्लियर की रेडिएशन भी आई ना तो इनकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वेयर आर दीज बॉडी कॉम्प्लेक्सेस लोकेटेड? तो वो कह रहे कि ये है कहाँ पे, अब उसका भी इंटरेस्ट बढ़ गया. तो वो कह रहे कि ये है कहाँ पे, तुम्हारा मतलब ये किस तरीके की जो प्रजाति ये गार्जियन से बना के छुपा के रखी हुई है. These body complexes of the second race dwell in uninhabited deep forest. There are many in various places over the surface of your planet. हाँ, तो वो कह रहे ये जो प्रजाति है ना, अभी तुम गहरे जंगलों में चले जाओ, अभी तो गहरे मतलब हमारे यहाँ के तो नहीं, और जमीन के नीचे है वहां पर भी है, ऐसा नहीं है कि कोई जमीन के ऊपर घूम रहे हैं. उनको भी पता है कि गार्जियंस तो ये लोग बाहर ही आएंगे, तो नीचे रखो, क्योंकि इनका तो भरोसा नहीं है, लड़के मर जाएंगे
इनको नीचे रखो। तो उसने कहा कि इनको नीचे रख दिया है और क्या कहते हैं इनमें से कुछ है जो कि ऊपर भी है। भाई बंद तो किसका नहीं करेगा, बाहर आके देख तो ले चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, तो वो भी निकल के आ जाते हैं बाहर। आर दे बिगफुट टाइप क्रीचर्स? हाँ, तो ये कह रहे कि क्या ये भी देखने में मतलब वो आधा गोरिल्ला और आधा इंसान जैसे टाइप की क्रिएचर है क्या? This is correct. Although we would not call these Bigfoot, as they are scarce and are very able to escape detection. The first race is less able to be aware of proximity of other mind-body-spirit complexes. But these beings are very able to escape due to their technological understandings before their incarnations here. Oh my God. These entities of the glowing eyes are those most familiar to your people. तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये एक तरीके का बिगफुट टाइप पे समझ सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम है उनसे और इनके पास एक कैपेबिलिटी है ना, मतलब तुम इनकी तरफ देखोगे ना गायब हो जाएगी तुम्हारी आंखों के साथ, ऐसी कैपेबिलिटी है इनके साथ। कह रहे यहाँ पैदा होने से पहले ना इनकी टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मतलब जो क्रिएटर की जो क्रिएशन है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया थी इनको कि वो इनके दिमाग के साथ जब ये यहाँ पे इंकार्नेट हुए तो इनको पता है कि अगर हमारे आंखों के सामने कोई आए There are three types of Bigfoot. वो कह रहा है कि कितने अलग अलग तरह के इस तरह के बिगफुट लोग हैं। वो कहता है तीन तरह के हैं। इफ यू विल एक्सेप्ट दैट वाइब्रेटरी कॉम्प्लेक्स यूज्ड फॉर थ्री सच डिफरेंट रेज ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस, द फर्स्ट टू वी हैव डिस्क्राइब्ड, द थर्ड इज अ थॉट फॉर्म। हाँ, तो कह रहा है उसी सवाल किया डॉट ने कि इस तरीके के बिगफुट टाइप के क्रिएटर और कितने हमारे प्लेनेट पे। तो कह रहा देखो इस तरीके के केवल तीन प्रजातियां हैं, कह रहे दो तो हमने उसने बता दी, एक गोरिल्ला और एक इंसान का मिक्सचर, दूसरा एक कुत्ते के जैसा और एक इंसान का मिक्सचर, कह रहे तीसरा है जो कि सोच में है, सोच के अंदर मतलब थॉट फॉर्म है, इसी के अंदर गायब है वो, इसी स्पेस टाइम के अंदर गायब है वो। We plan to do a second session later today if the instrument is capable, and I'd like to ask if there's anything we can do to aid the instrument's comfort. This instrument will require some adjustment of the tender portions of her body complex. The distortions are due to the energy center blockage you would call pineal. I leave you in the love and light of the infinite creator and Adonai. Okay, you can go ahead. हाँ, मतलब ये last question था, वो ये पूछ रहा था कि हम लोग सारला को कैसे comfortable कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा ना इसकी बॉडी में थोड़ा सा ध्यान से ट्रीट करो, क्योंकि इसका जो pineal तीसरी आंख है ना pineal gland, कह रहे हैं उसके अंदर एनर्जी का ना ब्लॉकेज है, मतलब वो काफी बड़ी है, गांठ लगी हुई है वहां पे, कह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, इससे इसकी एनर्जी बहुत तेजी से जाएगी। किसी का वीडियो ऑन है? किसका वीडियो ऑन है यहाँ पर? मैंने 100 बार बोला है अपना वीडियो और माइक ऑफ रखो, निकाल दूंगी मैं, डिलीट कर दूंगी ग्रुप से, यहाँ से। Somebody's video is on, please switch it off. कौन है ये? मीनाक्षी, वेयर इज मीनाक्षी? आई हैव टू रिमूव हर। हां, तो 9th सेशन जो है हमारा यहां पे खत्म हो चुका है। ठीक है, वी होप कि आपको हमारी आवाज आई होगी। हाँ, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, अब आप